नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास टेंथ की हिंदी। क्लास टेंथ की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपना सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और सैंपल पेपर सॉल्व करने के फायदे जो हैं वो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताए कि किस तरह से हमारा सैंपल पेपर सॉल्व करके हमें क्या क्या अपनी जो कमियां हैं वो पता चलती हैं। तो यानी कि अभी तक आप यहां पर प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है लगभग दे चुके हैं, और देखिए यहां पर आपको पता चल चुका है कि कैसे आपने अपने एग्जाम जो है देने हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 सैंपल पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं, उससे पहले 3-4 सैंपल पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही आपको जो भी डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी पार्ट से जुड़े हुए, हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए, वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो बिल्कुल आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने उसी सैंपल पेपर को और आगे देखेंगे जो जो हमारे सिलेबस में चीजें आ रही हैं और जो बार बार रिपीट हुई है, यानी कि जो चैप्टर आपका हर बार रिपीट हुआ है वो हमें पता चलेगा, ताकि हम उस पार्ट पर ज्यादा फोकस कर सके, ज्यादा ध्यान दे सके। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। लास्ट सेशन में यहाँ पर हमने 2 चीजें जो है वो हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है उसको हमने पढ़ा था। पठित गद्यांश में हमने यहाँ पर हिमालय के बारे में हमने यहाँ पर जाना था। और हिमालय की एक देखिए, अपठित का अर्थ क्या होता है, जो हमने पढ़ा ना हो, जो हमने पहले पढ़ा ना हो उसे हम कहते हैं अपठित। तो अपठित गद्यांश जो हमने नहीं पढ़ा, उस टाइप का आपका जो पहला प्रश्न हमेशा रहेगा और आपने उसको सॉल्व करना है, ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि वो प्रश्न आपका 8 से 10 नंबर का जो प्रश्न है वो रहता है। और यहाँ पर देखिए आगे इसमें 5 प्रश्न जो है दिए गए हैं, 5ों के आपने उत्तर देने होते हैं। और सबसे जो मेन यहाँ पर आपका प्रश्न होता है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि आपको गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक देना होता है। तो तभी आप अच्छा सा शीर्षक दे सकते हैं जब आपने पूरा गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं 8 से 10 नंबर का ये हमारा प्रश्न रहता है ये भी। तो इसमें भी आपको निबंध लिखना है केवल 250 शब्दों में। ऐसा नहीं कि आपने 300, 400, 500 शब्दों में आपने निबंध लिख दिया और आपका टाइम इसी पे पूरा वेस्ट हो गया। और आपको जो हिंदी में देखिए, क्योंकि काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, काफी लेंथी पेपर होता है, और इससे क्या होता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो इस तरह से आपको केवल 250 शब्दों में केवल आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ताकि आपका बहुत सारा जो पेज है वो भी एक तरह से ना भरे एक्स्ट्रा, और आपका टाइम भी सही से मैनेज हो जाए। तो ये हमने यहाँ पर 2 टॉपिक डिस्कस किए थे और काफी अच्छे से हमने यहाँ पर दोनों टॉपिक डिस्कस किए थे। और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी से यहाँ पर आपको दोनों निबंध दिए हैं, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना, जनसंख्या वृद्धि का संकट। और मुझे नहीं लगता कि क्लास टेंथ में आप इन 2 टॉपिक्स पर नहीं लिख सकते, बहुत इजीली लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो चलिए कुछ डिस्कशन पहले आप लोगों के साथ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपने इस सैंपल पेपर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 प्रश्न बहुत अच्छे से डिस्कस किए, उसके बाद हमने प्रश्न नंबर 3 जो यहाँ पर डिस्कस किया अपने सैंपल पेपर का, जनपद स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर अपनी छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए जनपद स्तर, जनपद यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है, उसमें अपनी छोटी बहन को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एक बधाई पत्र। तो देखिए जो अपनी बहन को लिखा जाता है, चाचा को लिखा जाता है, पिताजी को लिखा जाता है, बुआ, फूफा जी, नाना जी, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं, यानी कि जिनसे हमारे निजी संबंध होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं,
उन्हें जब हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। तो आप देख सकते हैं आपके जो निबंध है, आपका जो पत्र है, उसमें दो तरह के पत्र यहाँ पर आए हुए हैं। एक आपका फॉर्मल लेटर है और एक आपका इनफॉर्मल लेटर है। तो जो पहला है वो आपका इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र है, आपको अपनी बहन को बधाई देनी है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए। तो क्योंकि अब आप क्लास 10th में है और हर एग्जाम में आप लेटर लिखते हैं और यहाँ पर आने तक मुझे लगता है काफी अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाती है, तो इसमें फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मेट की किस तरह से आपने पत्र लिखना है, पूरा फॉर्मेट मैं आपको समझा चुकी हूँ। और तो बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पर पत्र लिखना है। अगला है देखिए, अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखिए। तो जब भी हम कहीं पर ऐसा पत्र लिखते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हमारे निजी और व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, और कार्यालय से जुड़ा हुआ पत्र जो होता है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ पत्र जो होता है, प्रार्थना पत्र जो होता है, निवेदन पत्र जो होता है, ये सारे पत्र आपके फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पत्र है ये आपने समाचार पत्र के संपादक को लिखना है कि हमारे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके। तो ये भी बहुत अच्छे से फॉर्मेट मैंने आप लोग को क्लियर करवाया है कि कैसे आपने ये पत्र लिखना है और कैसे आपने इसमें अपनी समस्या बतानी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। चौथा प्रश्न जो है वो हमारा व्यवहारिक व्याकरण से है। तो व्यवहारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। से पहले यहाँ पर आपने जो प्रश्न है उसमें से आपने जो प्रश्न पहला है चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उसके उसका भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखिए। बहुत ही सरल, केवल एक एक नंबर के ये है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और उससे उनके ये आसान से जो प्रश्न है वो भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने वही ध्यान देना है कि किस तरह से आपको इसको समझना है। तो चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, बालिका गेंद से खेल रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा क्रियापद छाटिए और उसका भेद लिखिए। तो दो शब्द है यहाँ पर, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पर दो शब्द है। क्या दो शब्द है? क्रिया और पद। ये जो आपका शब्द है क्रियापद, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्रिया और दूसरा पद। तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। पद यानी कि जब आप वही शब्द जब किसी एक तरह से वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो अब आपने इस वाक्य में क्रियापद छांटना है कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है। बालिका गेंद से खेल रही है। कौन बताएगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर? बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बालिका गेंद से खेल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, बालिका गेंद से खेल रही है, इसमें आपको क्रियापद छांटना है, ठीक है। क्रियापद छांटना है तो यहाँ पर देखिए हमने कहा जो किसी काम के करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं, और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्रियापद कहते हैं। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर, बालिका गेंद से खेल रही है, तो यहाँ पर क्रियापद है खेल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्रियापद क्या है?
खेल रही है और अब आपने इसका भेद बताना है। भेद यानी कि क्रिया का भेद। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आप देखिए। गेंद से खेल रही है तो जहां पर कर्म उपस्थित होता है वहां पर हम उसको सकर्मक कहते हैं और जहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने कहा बालिका गेंद से खेल रही है तो जो यहाँ पर गेंद शब्द है गेंद से ये आपका क्या है कर्म है। ये आपका क्या है कर्म है। तो यानी कि यहाँ पर कर्म उपलब्ध है तो इसीलिए हमने इसको कहा सकर्मक क्रिया। क्या कहा सकर्मक क्रिया। इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरा जो हमारा प्रश्न है मछली तालाब में तैरती है। मछली तालाब में तैरती है तो देखिए यहाँ पर क्रियापद है आपका तैरती है। क्रियापद क्या है तैरती है। मछली तालाब में तैरती है तो तैरती है शब्द आपका क्रियापद है क्योंकि ये किसी काम के करने या होने के बारे में बता रही है तो उसको हमने कहा कि तैरती है यानी कि तैरती है आपका क्रियापद है। अब क्रियापद तो है लेकिन साथ में आपने भेद भी बताना है। ठीक है साथ में आपने इस क्रियापद का भेद भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए मछली तालाब में तैरती है तो यहाँ पर जो मछली तालाब में तैरती है जो शब्द है वो आपका एक तरह से सकर्मक क्रिया है। ठीक है किस तरह की क्रिया है सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर दिए। तो अगला आपका देखिए यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यथा निर्देश यानी कि जिस तरह के आपको निर्देश दिए गए हैं उसी तरह का आप उस तरह से ही आपने उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अब देखिए यहां पर आपको शब्द वाक्य बताने हैं। लता का स्वास्थ्य अच्छा है। पहले आपको वाक्य दिया गया है उसके बाद आपको निर्देश दिए गए हैं कि आपको इसमें क्या करना है। ठीक है इसमें आपको क्या करना है तो यहाँ पर आपको बताना है समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है यहाँ आपको बताना है समुच्चय बोधक शब्द। तो देखिए लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई। लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई। तो देखिए यहाँ पर हमें समुच्चय बोधक बताना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि समुच्चय बोधक कहते किसे हैं। ठीक है तो समुच्चय बोधक मैंने यहाँ पर आपको बताया था समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक जब जो जो आपका शब्दों वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जो किसी शब्दांशों को आपस में जोड़ते हैं शब्दों को आपस में जोड़ते हैं वाक्यांशों को आपस में शब्दों वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो अब आपने यहाँ पर समुच्चय बोधक बताना है कि ये कौन सा समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर है। तो सबसे पहले अब आपको इसके लिए समुच्चय बोधक के भेद भी पता होने चाहिए कि ये समुच्चय बोधक का कौन सा भेद है या समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं वो क्या करते हैं वो एक जैसे शब्दों को जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समानाधिकरण। समानाधिकरण यानी कि जो समान स्तर के वाक्यों को वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण कहते हैं। व्याधिकरण हम कहते हैं जो एक तरह से जो व्याधिकरण होते हैं वो मुख्य रूप से उसमें एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है और दूसरा आपका मुख्य वाक्य होता है। ठीक है तो अब देखिए लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई।
ठीक है, लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई। अब देखिए ये दो समान तो नहीं है, इसीलिए ये आपका सबसे पहले व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, और इसमें आपका जो समुच्चय बोधक शब्द है वो है इसलिए, क्योंकि हमने कहा एक जो आपका वाक्य है वो आपका मुख्य है और दूसरा जो आपका है वो आश्रित है। ठीक है, अब देखिए उसके दौड़ में प्रथम आने का, उसके दौड़ में प्रथम आने का जो रीजन है वो क्या है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वो दौड़ में प्रथम आई। तो यहां पर जो इसीलिए शब्द है वो समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, वो क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। अब देखिए अगला बहुत ही ज्यादा सरल यहां पर दिया गया है प्रश्न, चीता तेज दौड़ता है, चीता तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। चीता तेज दौड़ता है, देखिए अभी अभी यहाँ पर क्रिया ही मैंने आपको बताई, क्रियापद, तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। चीता तेज दौड़ता है, यहाँ पर क्रिया क्या है, यहाँ पर क्रिया है दौड़ता है, क्रिया क्या है, दौड़ता है, और हमने क्रिया विशेषण भी पढ़ा है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर हमने कहा चीता तेज दौड़ता है, तो यहां पर तेज शब्द जो है वो क्या है, वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, जो तेज शब्द है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो यहां पर आपका क्रिया विशेषण शब्द है तेज। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी है और समझनी भी है। आप लोग, मैं कई बार आप लोगों को ये सॉल्व करवा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ मुझे खुद लगता है कि मैं आप लोग को पहली बार पढ़ा रही हूँ। आप लोग के रिएक्शंस जो है इस तरह के रहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं करते हैं, या तो आप लोग को आता है या आप बताते नहीं है या आपको नहीं आता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें आप जरूर, एक एक नंबर के प्रश्न है, इनमें बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, घर पर एक बार पढ़कर जाइए अच्छे से, कोई भी डाउट हो, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ व्याकरण में या आपके किसी भी चैप्टर में कोई भी आपको डाउट हो तो जरूर कंफर्म करें। अगला है प्रश्न नंबर 5, और देखिए इसका नाम ही यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण रखा है, व्यवहारिक व्याकरण यानी कि जो बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको वाक्य परिवर्तित करना है, अब आपको निर्देशानुसार वाक्यों को परिवर्तित कीजिए, अब आपको वाक्यों को बदलना है, अब आपको वाक्यों को बदलना है, कैसे आप वाक्यों को बदलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको वाक्यों के बारे में समझ होनी चाहिए, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आप वाक्यों को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब वाक्य किसे कहते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा वाच्य परिवर्तन या वाक्य परिवर्तन, और कई बार मैंने आपको यहाँ पर ये टॉपिक जो है पढ़ाया है। तो वाक्य जो होता है शब्दों का समूह, जिससे कोई बात हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है या बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ प्रकट करता हो, ठीक है, अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो होते हैं उसके आपके एक तरह से दो भेद होते हैं, एक आपका भेद होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा आपका भेद होता है रचना के आधार पर। आप जब क्लास 9th में थे तो तब आपने वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर पढ़े हैं, और क्लास 10th में भी आते हैं ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, जिसमें 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, जैसे विधान वाचक, निषेध वाचक, संदेह वाचक, इच्छा वाचक, प्रश्न वाचक, यानी कि आप जब वाक्य बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है,
इसी तरह से संदेहवाचक वाक्य, मुझे नहीं लगता कि वह पास हो पाएगा, ठीक है, संदेह प्रकट किया जा रहा है उसको देखकर। आज्ञावाचक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये सारे अर्थ के आधार पर है, यानी कि पहले आपने सेंटेंस को सुना, वाक्य को सुना, उसका आपने अर्थ बताया और उस तब आपने समझा, तो इसलिए इन्हें सब कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपके हिंदी व्याकरण में, देखिए दोनों चीजें आपके लास्ट जो कुछ लास्ट ईयर के जो सैंपल पेपर है उनमें आप देखेंगे, अर्थ के आधार पर भी उतने ही प्रश्न आए हैं और रचना के आधार पर भी उतने ही प्रश्न आए हैं, यानी कि वाक्य टॉपिक जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, तो अब आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, निर्देश दिया है संयुक्त वाक्य में बदलना है। और बिल्कुल देखिए सरल वाक्य में इसे लिखा गया है, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसमें दो उपवाक्य योजक उपवाक्यों से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, इसको आपने संयुक्त, ये सरल वाक्य है, इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, नोट डाउन कर सकते हैं इसी के आगे, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, इसको लिख सकते हैं आप, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। तो जहां पर भी आपको लगता है कि इस तरह का शब्द है, एक ये सरल वाक्य लिखा है, तो आपको सबसे पहले उसे दो पार्ट्स में बांटना होगा और उसके बाद आपको योजक शब्दों के द्वारा उसे जोड़ना होगा। तो ये हमने यहाँ पर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखिए अगला है वाच्य। वाच्य भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास टेंथ का, और वाच्य परिवर्तन आपका जरूर आता है। अब आपने देखिए मोहन शतरंज खेलता है आपका कृतवाच्य है, मोहन शतरंज खेलता है आपका कृतवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन शतरंज खेलता है, मोहन जो है वो करता है और खेलता है क्रिया है, यानी कि क्रिया जो है कर्ता के आधार पर लिखी गई है, तो जहां पर क्रिया कर्ता के आधार पर लिखी जाती है उसे कृतवाच्य कहते हैं, और कर्मवाच्य में आपको इसको बदलना है। कर्मवाच्य क्या होता है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता के लिंग वचन सब कर्म के आधार पर होते हैं। मोहन शतरंज खेलता है, यहाँ पर मोहन जो शतरंज खेलता है उसको आपने कर्म वाच्य में बदलना है, तो मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है, मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है। जब भी आप कर्म वाच्य को कृत वाच्य में बदलेंगे तो आप उसमें द्वारा या के द्वारा शब्द जोड़ेंगे कर्ता के ठीक बाद के द्वारा या द्वारा शब्द जोड़ेंगे। वाच्य हमने पढ़े हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है, इसको आप कर्म वाच्य में किस तरह से बदलेंगे, आप लिखेंगे मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है, यानी कि यहाँ पर आप कर्ता के बाद द्वारा या के द्वारा शब्द आप जोड़ेंगे।
इस तरह से आप इसको कृतवाच से कर्मवाच में बदल देंगे, यानी कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कृतवाच किसे कहते हैं, तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे, और पता होना चाहिए कि कर्मवाच किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई, ठीक है, योजक शब्द और जोड़ेंगे। मोहन शतरंज खेलता है को कर्मवाच्य में बदलना है, तो मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है, मोहन द्वारा शतरंज खेला जाता है। बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें ही बच्चे कई बार बहुत गलतियां करते हैं। चलिए, ये हमारा प्रश्न 6 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न 7 आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7 भी आपका निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, आपको जो निर्देश आगे दिए गए हैं उसके अनुसार आप उत्तर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राम द्वारा धनुष मोड़ा गया, राम द्वारा धनुष मोड़ा गया कौन सा वाच्य है? तो देखिए, इसको हम कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे, राम द्वारा धनुष मोड़ा गया, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया, ये आपका कर्मवाच्य है, ठीक है। तो इसको हमने बदलना है कृतवाच्य में, कृतवाच्य यानी कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, तो जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर हम बिल्कुल सरल सा वाक्य लिखेंगे, राम ने धनुष मोड़ा या राम से धनुष मोड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कृतवाच्य है। तो देखिए, भरत पुस्तक पढ़ता है, भरत पुस्तक पढ़ता है को आपने कर्मवाच्य में बदलना है, भरत पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, भरत और पढ़ता है यानी कि ये आपका कर्म कृतवाच्य है, सीधे सीधे यहाँ पर सीधे सीधे जो है क्रिया के लिंग वचन सब कर्ता के अनुसार है, तो इसलिए ये कृतवाच्य है, तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। तो बिल्कुल भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये आपका क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज प्रश्न नंबर 7 तक अपना सैंपल पेपर जो है सॉल्व कर लिया है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं तैयारी अच्छे से। फिर भी मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड या आपके किसी भी चैप्टर से जुड़ी हुई, तो आप जरूर डिस्कस करें। आगे देखिए और भी यहाँ पर जो हमारे प्रश्न हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने लिटरेचर से जुड़े हुए पार्ट पर। तो एक बार घर पर आप जाकर आज जरूर देख लें कि कोई भी चैप्टर, कोई भी हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आता हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो, उसको आप नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर जरूर डिस्कस करें, जरूर बताएं, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपना सैंपल पेपर प्रश्न 6-7 तक सॉल्व कर लिया है। उसके आगे का सैंपल पेपर हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।